तो भाई लोग यार फिर से आ गए हम एक और बेहतरीन GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस्ड की गेम प्ले वीडियो में। और भाई पिछले वाली वीडियो में तो यार बड़ा ट्विस्ट था कतई। मतलब ऐसा पहले तो हम एकदम अमीर से बंदे थे, ठीक है, एकदम मनी लाइफ शुरू हुई थी अपनी। लेकिन भाई बाद में जो एकदम मतलब यार शेख से लड़ाई बचती ना, जो सीन हुआ ओ भैया यार बिल्कुल मतलब पैसे वैसे जीरो बैलेंस हो गया था, ठीक है। और फिर हमने एक कांड वो तो कर रखा था शेख वाला, दूसरा कांड और कर दिया, इन्वेस्टिगेशन भी होगी तकड़ी करके, शेख अपने पीछे लगी रखा है, ठीक है। तो अभी तो गलत सीन हो रखा है बहुत ज्यादा अपने साथ में, पता नहीं भाई बंदा बचेगा सर्वाइव कैसे करेगा क्या होगा। लेकिन भाई एक बात है, माइकल की वजह से ना भाई बड़ी गड़बड़ होगी पिछली वाली वीडियो में। मतलब अगर वो हमें उसे लाने को नहीं कहता, हम मना भी कर रहे थे उससे कि भाई हम नहीं ला रहे भाई, सेटिंग वेटिंग रखे तो उसे पता लग गया तो गड़बड़ जाएगी। अगर भाई ये वाली वीडियो बढ़िया लगे तुम्हें तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो एकदम भर के। और भाई एकदम मतलब मजा आ जाना चाहिए, है ना भाई, थोड़ी मोटिवेशन भी तो मिलनी चाहिए वीडियो बनाने के लिए कि हाँ भाई लाइक कर रहे हैं भाई लोग, ठीक है, पसंद आ रही है सबको, ऐसा लगना चाहिए अंदर से। तो वो जब भी लगेगा जब तुम लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करोगे तो कर दो। तो आज टाइम नहीं बर्बाद करते, सीधा वीडियो शुरू करते हैं, पिछली बार वीडियो देखना मजा बहुत आने वाला है। लाइट मेरी चली गई मेरे घर की, भाई पता नहीं क्या क्या होता है भाई मेरे साथ, जब भी मैं क्या करते हैं वीडियो बनाने बैठता हूँ भाई जब भी लाइट जाती है हमारे यहाँ का। तुम्हें एक बता दूँ, एक छोटा सा रूल है, मतलब ऐसा पक्का तो नहीं है कहीं पर लिखा हुआ, लेकिन ऐसा है कि भाई रात को लाइट नहीं जाती, दिन में ही मरा लेते हैं जो मरानी होती है बिजली वालों को। लेकिन भाई जिस दिन मैं वीडियो बनाने बैठूंगा ना उस दिन रात को जरूर मरानी होती है, पता नहीं क्या सीन है। अभी से दो बार लाइट जा चुकी है, ठीक है, लेकिन भाई मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता किस टाइम सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन भाई फिर भी कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी हम गेम में आ चुके हैं, अभी अपने पास पैसा वैसा का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। और भाई आज देखना पड़ेगा, कुछ काम वाम मिल गया तो ठीक है, कांड ही करना पड़ेगा आज अगर भाई पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो, ठीक है भाई। ना तो अपने पास पैसे हैं, देख लो एकदम जीरो बजट हो रखा है, देख लो भाई जीरो बैलेंस है। और क्योंकि अकाउंट वकाउंट सारे माइकल ने फ्रीज करवा दिए थे बैंक के बोल के, और कैश भी सारा ले लिया था हमारे से, और भाई वेपन भी नहीं है कोई इस टाइम अपने पास में, ठीक है। तो भाई लोग यार अभी देखते हैं क्या सीन रहता है, काफ़ी ज़्यादा कांड कर रखे हैं हमने। और अभी के तो होटल में, और भैया यो क्या था वो, भाई लगता है शेख के बंदे आ गए, भागो यहाँ से, भागना पड़ेगा। अरे भैया गिर गया यार नीचे, भाई छत से एकदम से कूदना पड़ेगा यार, वेपन भी नहीं है अभी हमारे पास कोई, देख लो बिल्कुल खाली हाथ ही हाथ है अपना। और भाई लोग अभी बंदे काफ़ी ज़्यादा मोल्टो वगैरह भी लेके आ रखे थे और आग लगाई थी इन्होंने पूरे फर्श पे, तो हम अभी पानी में कूद गए, ठीक है, आग से बचने के लिए। लेकिन भाई ज़्यादा देर सेफ नहीं है यहाँ, गोली वोली चला रहे हैं बंदे काफ़ी ज़्यादा, वह बस आवाज़ नहीं आई थी बाहर पानी के अंदर होने की वजह से। और भाई यहाँ से कूदना पड़ेगा, यहाँ से कूदना पड़ेगा नहीं तो गए काम से, ये पीछे वाले रास्ते से एग्जिट मारना पड़ेगा होटल से, ठीक है भाई भागो। और ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आराम से आहिस्ता आहिस्ता भाई, पहाड़ पहाड़ कूद के भागना पड़ेगा। शेख के बंदे आ गए, उसने कोई गैंग वाले बंदे भेजे हैं, मुझे पता था वो खुद तो आने का नहीं, ना ही भाई मतलब इतना बड़ा आदमी है ना ही वो अपनी गैंग को भेजने का, लेकिन यह है कि भाई उसने किसी और गैंग के बंदे भेजे हैं। अभी तो क्या कहते हैं हमें भाई पहाड़ पहाड़ कूद के भागना पड़ेगा यहाँ से पहली फुर्सत में, क्योंकि अभी अपने पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है हिसाब किताब। यहाँ पे किसी और के घर का स्विमिंग पूल आ गया, भागो भाई भाई भाई, घर घर दीवार दीवार कूद गया। और अभी जहाँ तक पहाड़ से हम ड्रॉप हो जाएंगे, वो बंदे भाई गैंग वाले काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए तो एक चीज़ सही हो गई, लेकिन अभी भाई वो हमें ढूंढ रहे होंगे, गाड़ी वाड़ी लगा दी होंगी उन्होंने हमारे पीछे आगे के रस्तों पर, लेकिन वो हमें ढूंढ नहीं पाने के इस तरीके से अगर पहाड़ पहाड़ होकर भागेंगे तो, ठीक है। ठीक है भाई इस घर में घुस गए, ठीक है ओ भाई कूदो कूदो कूदो, ठीक है। और भाई यहां से इसके ऊपर चढ़ के भाई फुल पार्कोर करना पड़ रहा है अभी इन बंदों से भागने के लिए, ठीक है ठीक है। भाई ये क्या कहते हैं हॉलीवुड का इलाका है पूरा, यहाँ पे जो है हॉलीवुड के जितने भी बंदे होते हैं ना उन सबके घर हैं ज़्यादातर के, जो सुपरस्टार वगैरह होते हैं लोग उन सब के। ओ भाई ठीक है, गिर गए थे अभी हम काफ़ी ज़्यादा हाइट से, काफ़ी हाइट है वो, लेकिन अभी जब तक शहर नहीं पहुँच जाते कहीं सेफ सी जगह पर जब तक मैं तो नहीं रुकने वाला, भागते जाना है अभी, ठीक है भाई। तो हम भीड़ से के इलाके में आ गए थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी देर के लिए भी सेफ हैं क्योंकि भीड़ में वो लोग हमला नहीं करने के हमारे ऊपर। ओ भाई
कितना ज्यादा मुश्किल था उनसे बचना, पूरा भाई फुल पहाड़ पहाड़ कूद के भागना पड़ा। तो भाई लोग अभी हमें यहाँ आए हुए थोड़ी सी देर हो गई और अभी हमारे पास एजेंट 47 का फ़ोन आया था। हाँ भाई वही हिटमैन वाला एजेंट 47, उसने भाई गेम ख़त्म होने के बाद में एक हिटमैन सर्विस चालू कर दी थी, उसका मतलब है बॉस है इस टाइम पे, ठीक है। वो कॉन्टैक्ट मतलब लेता नहीं है, वो कॉन्टैक्ट देता है बंदों को टारगेट ठोकने के, ठीक है। उसने और एजेंट से हायर करे हुए हैं। तो भाई जो शेख था उसने हमारा कॉन्टैक्ट उसे दिया हुआ था, तो उसका फ़ोन हमारे पास आया था। उसने कहा कि जैसे तुम मेरे अटैक से बच गए तो मुझे क्या कहते हैं तुम सही बंदे लग रहे हो। उसने हमारे से कहा था कि तुम एजेंट बनने के लिए एकदम एलिजिबल हो और ये कहा था कि हर हिट के $5,000 मिलेंगे और अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हमें हाई प्रोफाइल मिशंस मिलेंगे, उसमें और भी अच्छा पे आउट होगा। साथ ही साथ जो हमारे ऊपर हिट लग रखी थी उसे भी डिसमिस कर दिया जाएगा। तो भाई हमें तो ये ऑफर काफ़ी सही लगा, तो हमने पूछा कि इंटरव्यू देने कब आना है। तो उसने कहा कि रिटर्न इंटरव्यू तुम्हारा सब हो गया और ज्वाइनिंग लेटर मैंने तुम्हें फ़ोन पे दे दिया, जब भी तुम्हें काम ज्वाइन करना हो तो एक बार फ़ोन कर देना और मैं तुम्हें फ़ोन पे कॉन्टैक्ट दे दूंगा। अभी हमारे दो दोनों काम हो गए, एक तो क्या कहते हैं अपना पैसों का हिसाब किताब हो गया, भाई पैसों का सिस्टम नहीं था हमारे पास कुछ भी, हमें एक जॉब मिल गई अच्छी और भाई जो अपने ऊपर हिट लग रखी थी वो भी कैंसिल होगी, तो हमें थोड़ा सा मतलब खतरा भी कम हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि भाई अब शेख जो है किसी दूसरे बंदे को कॉन्टैक्ट देगा, लेकिन वो जो एजेंट 47 है अब वो नहीं लेने का हमारा कॉन्टैक्ट, जो कि भाई सबसे ज़्यादा सही बात है। और मैं उससे बात करके भी पता लगा कि जो भाई हाई प्रोफाइल टारगेट होते हैं एकदम भाई तगड़े बंदे ऐसे माफिया बॉस गैंगस्टर वैंगस्टर, उनके लिए तो ये लोग अपने एजेंट्स को भेजते हैं, लेकिन भाई जो ऐसे ही चलते फिरते बंदे होते हैं जैसे कि हमें, तो ऐसे बंदों के लिए या तो ये किसी इंटर्न को कॉन्टैक्ट देते हैं, जैसे कि अभी हमें भी शुरू में एकदम हाई प्रोफाइल टारगेट नहीं मिलने वाले, ऐसे भाई सड़क चलते बंदे ही मिलेंगे। और अगर इनके पास कोई इंटर्न ना हो तो भाई ये गैंग वालों से बात कर लेते हैं, गैंग वालों को कॉन्टैक्ट देते हैं, उन्हें मतलब थोड़े से वेपन वगैरह देते हैं और पैसे देते हैं और उनसे करवाते हैं काम अपना। लेकिन क्या है अगर भाई इनका टारगेट इनसे बच जाए तो ये क्या है वापस से अटैक करते हैं और ज़्यादा एजेंट्स को भेज के और पूरी ताकत के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा मतलब हमारे जैसा बंदा अकेला ही इनसे बच जाए, मतलब उसके साथ अगर कोई भाई माफिया बॉस है वो इनसे बच गया, तो भाई इसके ऊपर तो वापस अटैक करेंगे अपना कॉन्टैक्ट पूरा करने के लिए। लेकिन अगर कोई हमारे जैसा बंदा है भाई अकेला ही है भाई वो ऐसे ही बच गया इनसे, तो क्या है उसे जॉब ऑफर देते हैं अपने साथ काम करने का एजेंट बनने का, और साथ साथ उसकी हिट भी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि भाई एजेंट बन जाता है वो। लेकिन अगर वो भाई ऑफर रिजेक्ट कर दे तो फिर भाई उसे भी ठोक देते हैं अपने बहुत सारे एजेंट और पूरी पावर के साथ भेज के। हमारे ऐसा कुछ रिजेक्ट करने का फायदा तो था नहीं, उल्टा नुकसान ही था, तो इसे हमने आराम से ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो भाई लोग तुम्हें याद होगा पिछली वाली वीडियो में हमने ट्रैवल को फ़ोन करा था, ठीक है, अपनी हेल्प के लिए, लेकिन उसका फ़ोन उठा नहीं था। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले ट्रैवल का फ़ोन आया था वापस से और भाई अलग से नंबर से आया था, उसने भाई किसी अनोनिमस लाइन से करा था फ़ोन हमें, तो कह रहा था कि भाई इतने साल बाद कैसे याद कर लिया। भाई हमने बताया कि हमारे साथ क्या सीन हो गया, तो उसने कहा कि भाई माइकल तो फट हुआ है, मैं होता उसकी जगह तो मैं शेख को ठिकाने लगा देता हूँ, भाई उसे देख लेता। और भाई अभी उसने हमें अपने पुराने गाँव वाले घर में मिलने के लिए बुलाया हुआ है आधे घंटे में। तो भाई हमने कहा कि हमारे पास टैक्सी के लिए तो पैसे हैं नहीं और वैसे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो भाई उसने कही कि कोई नहीं यहाँ पर आ जाओ तुम बस और मैं देख लूँगा, पैसे वैसे मैं दे दूँगा तुम बस आ जाओ। तो भाई फटाफट टैक्सी को बुलाते हैं और यार चलते हैं ट्रैवल के पुराने वाले घर में। तो भाई लोग आज की वाली वीडियो बस इतना ही, आज हमें भाई एक नई जॉब मिल गई और अपना पैसा वैसों की जो दिक्कत थी वो तो जहाँ तक ख़त्म हो ही जाएगी और ट्रैवल का भी फ़ोन आया साथ के साथ हमें। भाई अगली वाली वीडियो में जाएंगे उससे बात करें, देखेंगे क्या सीन है। और भाई अभी हम शेख के एक अटैक से तो बच गए, लेकिन भाई आगे वो क्या करता है हमें नहीं पता, तो उसका तो खैर जब जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मज़ा आया तो ठीक है, भूलना नहीं है।